हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 7.7 करेंगे। इसके लिए जो सूत्र यूज़ किए गए हैं वो, इसमें तीन सूत्र यूज़ किए गए हैं। वन नंबर, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर का इंटीग्रेशन। सूत्र है इसका एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्लस सी। इतना पोर्शन जो है वो आपका उसमें भी आता है जब हम वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं, तो उसमें इतना पार्ट यूज़ होता है हमारा। और अगर वन अपॉन में ना हुआ तो साथ में एक्स अपॉन टू रूट एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर भी ऐड हो जाता है। सेकंड है रूट एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर का इंटीग्रेशन। एक्स का स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस सी। थर्ड फार्मूला है आपका रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर का इंटीग्रेशन। एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.7। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका अंडर रूट फोर माइनस एक्स का स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो हम इसको आई मान लेते हैं। सबसे पहले तो माना आई इक्वल्स टू रूट फोर माइनस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट का इंटीग्रेशन। एक्स का स्क्वायर को लिख देंगे टू स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो ये सूत्र बन गया ये किस फॉर्म का बन गया आपका, ये सूत्र आपका बन गया इस फॉर्म में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए की जगह टू है और एक्स का स्क्वायर तो सेम है। इसमें ये सूत्र लग जाएगा एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन वर्स एक्स अपॉन ए। तो एक्स अपॉन ए यहाँ से एक्स अपॉन टू हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर मीन्स टू स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर हमारा टू के स्क्वायर के इक्वल है, तो टू का स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू, टू से टू कैंसिल हो गया। तो आपका ये आंसर आ जाएगा एक्स अपॉन टू अंडर रूट फोर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू प्लस सी। सेकेंड क्वेश्चन है अंडर रूट वन माइनस फोर एक्स का स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो टू एक्स का स्क्वायर को हम लिख देंगे, फोर एक्स का स्क्वायर को लिख देंगे टू एक्स का होल स्क्वायर। इसको आई मान लिया। अब क्योंकि हमारे पास जो सूत्र है वो यहाँ पे एक्स के फॉर्म का है, इसमें कहीं टू या फोर कोई भी नंबर ऐड नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, एक्स के साथ कोई नंबर भी मल्टीप्लाई नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, टू एक्स को हम टी मान लेंगे ताकि ये टू हमारा हट जाए। तो जब हम 2x को t मानेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2 इज इक्वल टू dt अपॉन dx, dx ऊपर चला जाएगा 2 यहाँ आ जाएगा, dx इज इक्वल टू 1 अपॉन टू dt। अब यहाँ पे i हो गया 1 अपॉन टू और ये अंडर रूट 1 स्क्वायर, 1 की जगह मैंने 1 स्क्वायर कर दिया की बात है, और 2x की जगह t रख दिया 1 अपॉन टू इंटीग्रेशन 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। अब ये वो फॉर्म आ गई फिर से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली, तो टी अपॉन टू अंडर रूट वन माइनस टी का स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स टी अपॉन वन। इसको अब टी की वैल्यू रख देंगे टू एक्स अपॉन टू अंडर रूट वन माइनस फोर, टी की जगह टू एक्स रख देंगे, टू एक्स का होल स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही होता है, वन अपॉन टू साइन इनवर्स, ये टी की जगह रख देंगे टू एक्स, ये टू से टू कैंसिल हो गया, एक्स अपॉन टू अंडर रूट वन माइनस फोर एक्स का स्क्वायर प्लस वन अपॉन ये टू इधर और टू इधर, वन अपॉन फोर आ गया साइन इनवर्स टू एक्स।
थर्ड क्वेश्चन है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स। सबसे पहले इसको आई मानते हैं, आई इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स का इंटीग्रेशन। अब हम इसको पूर्ण वर्ग की फॉर्म में लेके आएंगे, क्योंकि जितने भी सूत्र हैं हमारे पास वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस फॉर्म में है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक्स का गुणांक अपॉन टू का होल स्क्वायर, एक्स का गुणांक ये एक्स है, एक्स का गुणांक चार है तो चार बटे दो का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, टू टू द फोर, टू 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 का हो स्क्वायर जो है वो फोर हो जाएगा। अब ये जो फोर आया इसको जोड़ने में घटाने पर, अब यहाँ पे छः हैं, अब चार जोड़ेंगे और चार घटाएंगे, इससे अच्छा हम क्या करेंगे, छः के ही दो पार्ट्स कर देंगे या छः को टू पार्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे, वो दो पार्ट्स हो जाएंगे फोर और टू, क्योंकि हमें फोर चाहिए इसमें, तो फोर और टू। अब इस फोर को इधर कर देंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू, ये टू अलग हो जाएगा। अब ये आपको पता है सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का, तो ये एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, अगर इसको हम खोलते हैं तो यही आता है हमारा, और टू को हम रूट टू का स्क्वायर लिख देंगे। अब हमारा ये स्क्वायर के फॉर्म में आ गए दोनों के दोनों। अब यहाँ तो हमें पता है सूत्र में कोई भी ऐसा नहीं होता, कहीं जोड़ रहा हो या कहीं गुणा हो रहा हो, तो एक्स प्लस टू को हम टी मान लेंगे। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स को करेंगे वन आएगा और टी को करेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, डी एक्स उधर गया, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पे आ गया टी का स्क्वायर, ये रूट टू का स्क्वायर। अब ये फॉर्म कौन सी बन गई, एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ये फॉर्म बन गई। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर से के हिसाब से इसमें सूत्र लगाएंगे, तो टी अपॉन टू अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर अपॉन टू लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर, तो टी अपॉन टू टी का स्क्वायर प्लस टू आ गया, रूट टू का स्क्वायर टू होता है, टू अपॉन टू, टू से टू कैंसिल हो गया, लॉग टी प्लस अंडर रूट टी का स्क्वायर अपॉन टू। अब टी की वैल्यू रख देंगे एक्स प्लस टू, और यहाँ भी टी की एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस टू, लॉग टी की जगह एक्स प्लस टू रख देंगे, अंडर रूट एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस टू। अब ये जो हमारा आया था ये ऊपर जो हमने सॉल्व कर एक्स का स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स इसी करके ये आया था, तो इसको डायरेक्ट हम यही लिख देंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स प्लस लॉग एक्स प्लस टू प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स। फोर्थ क्वेश्चन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन, ये भी जैसे ऊपर एक्स का गुणांक फोर है ये भी उसी तरह से फोर अपॉन टू का स्क्वायर फोर, ये टू का स्क्वायर फोर आ जाएगा फोर जोड़ने और घटाने पे। अब यहाँ वन था इसलिए हम इसको टू पार्ट्स में कर नहीं सकते थे, तो चार जोड़ दिया और चार घटा दिया, तो यहाँ पे ये आ गया एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस वन में से फोर के माइनस थ्री होता है तो माइनस थ्री लिख दिया, यहाँ प्लस माइनस माइनस, यहाँ थ्री आ गया। अब थ्री को हमने रूट थ्री का होल स्क्वायर और ये हमने एज इट इज़ हमने ले लिया। अब फिर वही कि एक्स प्लस टू का हम टी मान लेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये आ गया टी स्क्वायर माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर, टी अपॉन टू रूट टी का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर अपॉन टू लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर। हर एक क्वेश्चन में आप सूत्र लिखोगे या हर एक क्वेश्चन में सूत्र साथ साथ आप लिख देना, और ये टी का स्क्वायर माइनस थ्री, अब यहाँ पे अगले स्टेप में टी की वैल्यू रख देंगे, और ये एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस थ्री, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा यही आता है एक्स का स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन, और यहाँ भी इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन जो कि हमें क्वेश्चन में दिया होता है वो ही आता है सॉल्व करके, तो हम इसको डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते हैं। अगला है अंडर रूट वन माइनस फोर एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स, हमें इसको हम पहले हमने आई मान लिया। अब ये वन यहाँ एक्स का स्क्वायर माइनस का साइन है तो माइनस का कॉमन लिया, ये आ जाएगा फोर एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस
इसको सीधा करके लिख दिया एक्स का स्क्वायर प्लस फोर एक्स। अब एक्स का गुणांक फोर है तो फोर का आधा करो, उसका वर्ग करो, फोर आ जाएगा, ये टू टू द फोर, फोर को जोड़ने में घटाने पर। वन में फोर जोड़ा, वन प्लस फोर फाइव आ गया, इसमें फोर जोड़ा तो एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर बन गया। आई इक्वल्स टू, अब फाइव को हमने रूट फाइव का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। अब ये किस फॉर्म का बन गया, इसमें सूत्र आप लिख दोगे, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स फॉर्म का, क्योंकि पहले कोई अचर पद है और बाद में एक्स वाला पद है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब एक्स प्लस टू को हम टी मान लेंगे, अवकलन करेंगे, रूट फाइव का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम ये सूत्र लिख देंगे, यहाँ पे मत लिखना, समझाने के लिए था, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हम सूत्र का यूज़ करें तो जहाँ पे सूत्र का यूज़ होता है वहीं लिखते हैं। यहाँ पे सूत्र का यूज़ किया है तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, इस सूत्र का यहाँ यूज़ करोगे यह आ जाएगा टी अपॉन टू अंडर रूट रूट फाइव का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर प्लस रूट फाइव का स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स टी अपॉन फाइव। इसको सॉल्व करेंगे हम आगे, ये तो फाइव माइनस टी का स्क्वायर आ गया, रूट फाइव का स्क्वायर फाइव होता है, फाइव अपॉन टू साइन वर्स टी अपॉन रूट फाइव। अब टी की वैल्यू रख देंगे एक्स प्लस टू का स्क्वायर, यहाँ भी एक्स प्लस टू। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ वही आएगा, एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव फोर, इसको पकड़ा, ये डायरेक्ट हम ये भी लिख सकते थे, वन माइनस फोर एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ फाइव अपॉन टू साइन वर्स एक्स अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन रूट फाइव। अब सिक्स क्वेश्चन, इसके बाद आई इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव का अंडर रूट, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसमें भी एक्स का गुणांक फोर है, उसका आधा करेंगे वर्ग करेंगे तो टू टू द फोर आ जाएगा, फोर को जोड़ेंगे और घटाएंगे। यहाँ भी हम ये कर सकते थे, दो पार्ट्स कर सकते थे वन प्लस फोर, लेकिन यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा अलग डिफरेंट करने के लिए फोर को उधर ऐड कर दिया और फोर को इधर माइनस कर दिया, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर बन गया, माइनस नाइन आ गया, नाइन को हम थ्री का स्क्वायर लिख देंगे। अब एक्स प्लस टू को हम मान लेंगे टी, अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो ये हो गया अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर, इसे उधर लगा देंगे टी अपॉन टू अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर अपॉन टू लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर। अब सब टी की जगह वैल्यू एक्स प्लस टू डाल देंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन, मान लिया आई बराबर अंडर रूट वन माइनस वन प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। अब पहले ये नंबर, क्योंकि एक्स के साथ एक्स के स्क्वायर के साथ माइनस का साइन है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले हम नंबर रख लेंगे वन, फिर ये दोनों में से, क्योंकि हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, क्योंकि हमें इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो माइनस को बाहर निकाल दिया। अब इसका गुणांक है माइनस थ्री अपॉन टू किया, नाइन अपॉन फोर आ गया, तो नाइन अपॉन फोर को जोड़ने में घटाने पर, नाइन अपॉन फोर को हमने अगले स्टेप में जोड़ दिया और यहाँ जोड़ा है लेकिन बाहर माइनस है, इसका मतलब ये माइनस हो जाएगा अपने आप ही। अब ये आ गया थर्टीन अपॉन फोर और ये आ गया एक्स माइनस थ्री अपॉन टू का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमें कैसे पता चलता है, देखो यहाँ माइनस थ्री अपॉन टू है तो इसका मतलब यहाँ पर हमें माइनस थ्री अपॉन टू लिखना है और एक्स तो एज इट है ही, एक्स माइनस थ्री अपॉन टू का होल स्क्वायर, ये आ गया रूट थर्टीन के अपॉन टू का होल स्क्वायर और एक्स माइनस थ्री बाय टू का होल स्क्वायर। एक्स माइनस थ्री बाय टू को हम मान लेंगे टी, अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा रूट थर्टीन अपॉन टू का होल स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर डी टी। सूत्र लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, वो आप सूत्र का यहाँ यूज़ हो रहा है तो यहाँ आप ये सूत्र लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर का सूत्र यहाँ लिख दोगे आप और इसको सॉल्व करेंगे हम। ये आ गया ए स्क्वायर
इसमें आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सूत्र है, तो टी अपॉन टू रूट थर्टी, रूट थर्टीन अपॉन टू का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर प्लस रूट थर्टीन अपॉन टू का होल स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स टी अपॉन रूट थर्टीन अपॉन टू। अब टी अपॉन टू इसको ओपन कर दिया, थर्टीन अपॉन फोर माइनस टी का स्क्वायर, थर्टीन रूट थर्टीन का स्क्वायर थर्टीन और टू टू द फोर टू द एट, यह आ जाएगा थर्टीन अपॉन एट साइन इनवर्स टू इंटू एक्स माइनस थ्री अपॉन टू, इसको ओपन कर देंगे टू एक्स माइनस थ्री और इसको भी एलसीएम ले लेंगे टू एक्स माइनस थ्री, ये टू नीचे आ जाएगा फिर टू एक्स माइनस थ्री अपॉन फोर। और इसको मैंने बताया था सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जो क्वेश्चन में होता है वही लिख दिया जाता है, वन प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर थर्टीन अपॉन एट साइन इनवर्स टू एक्स माइनस थ्री अपॉन रूट थर्टीन। एट्थ क्वेश्चन, एक्स का स्क्वायर प्लस थ्री एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स का गुणांक क्या तीन, तीन को आधा करा स्क्वायर करा नाइन अपॉन फोर, जोड़ने और घटाने पर नाइन अपॉन फोर जोड़ेंगे और नाइन अपॉन फोर घटाएंगे तो ये तो एक्स प्लस थ्री अपॉन टू का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि अभी तो हमें बताया था ये थ्री अपॉन टू है तो यहाँ पे एक्स प्लस थ्री अपॉन टू का होल स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन टू का होल स्क्वायर। अब ये है एक्स प्लस थ्री अपॉन टू का हम टी मान लेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर वन इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स या फिर डी एक्स अपॉन इज इक्वल टू डी टी। अब टी स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन टू का होल स्क्वायर, अब ए स्क्वायर यहाँ पे सूत्र हम लगा देंगे फिर से, ये लग जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि पहले टी है तो एक्स स्क्वायर वाला और बाद में कोई अचर पद है तो यहाँ ए स्क्वायर वाला आप सूत्र यहाँ पे लगा दोगे, टी अपॉन टू रूट टी स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन टू का होल स्क्वायर माइनस रूट थ्री अपॉन टू, थ्री अपॉन टू का होल स्क्वायर अपॉन टू लॉग डी प्लस रूट टी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। अब इसको ए की जगह थ्री अपॉन टू का, यहाँ पे ये टी स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन फोर थ्री अपॉन टू का होल स्क्वायर नाइन अपॉन फोर, यहाँ पे आप बता दिया था माइनस थ्री अपॉन एट लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन टू का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, टी की जगह एक्स प्लस थ्री अपॉन टू रख देंगे, एलसीएम ले लेंगे, यह आ जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस थ्री अपॉन टू का होल स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन फोर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन वाला ही आता है तो सीधा क्वेश्चन वाला लिख दिया यहाँ पे हमने, एक्स का स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री अपॉन एट। आगे इसको सॉल्व हम करेंगे, इसको एलसीएम लेके टू एक्स प्लस थ्री अपॉन टू और यहाँ पे ये पूरा सॉल्व करके आपका क्वेश्चन वाला नंबर ही आ जाएगा प्लस सी आगे हम लिख देंगे। नाइन्थ क्वेश्चन, वन प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन नाइन, नाइन एलसीएम ले लिया, नाइन प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन नाइन अंडर रूट में, ये नाइन बाहर आ गया वन अपॉन थ्री नाइन प्लस एक्स का स्क्वायर, ये हमारी फॉर्म, ये इसको हम सीधा के लिख देंगे एक्स का स्क्वायर प्लस नाइन। अब वन अपॉन थ्री नाइन को थ्री का स्क्वायर लिख देंगे, वन अपॉन थ्री अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर। अब इसमें हम सूत्र लगा देंगे सिंपल, ये क्वेश्चन इसके बाद डायरेक्ट सूत्र लग गया एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर का सूत्र और आंसर आ जाएगा एक्स अपॉन सिक्स अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस नाइन प्लस थ्री अपॉन टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस नाइन। टेंथ क्वेश्चन, अंडर रूट वन प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन, इसको सीधा करके लिख लो एक्स का स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, वन की जगह हम वन का स्क्वायर भी लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर और डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा इसमें एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर का सूत्र हम लगा देंगे इसमें। ग्यारहवा क्वेश्चन, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सेवन, अब एट हमें एट को आधा करना है माइनस एट अपॉन टू माइनस फोर का होल स्क्वायर सिक्सटीन, सिक्सटीन जोड़ेंगे और सिक्सटीन घटाएंगे, सिक्सटीन को जोड़ेंगे
तो यहाँ पे ये वर्ग बन जाएगा, यहाँ माइनस फोर आया था हमारे पास, तो एक्स माइनस फोर का वर्ग, और यहाँ माइनस नाइन, नाइन को थ्री का स्क्वायर लिख देंगे, एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर, एक्स माइनस फोर का हम टी मान लेंगे, अवकलन करेंगे, वन इज इक्वल टू टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स अपॉन डी टी, ये बन जाएगा सूत्र हमारा अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर, तो टी अपॉन टू रूट टी स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर अपॉन टू लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर। तो यहाँ पे अब टी की जगह एक्स माइनस फोर रख देंगे, यहाँ भी टी की जगह एक्स माइनस फोर का स्क्वायर, यहाँ भी टी की जगह एक्स माइनस फोर, और यहाँ भी टी की जगह एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर माइनस नाइन, एक्स माइनस फोर अपॉन टू, और ये जो पूरा है इसको सॉल्व करके हमारा क्वेश्चन वाला ही आएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सेवन, ये हम डायरेक्ट भी रख सकते हैं, पूरा सॉल्व करके दिखाने की जरूरत इसमें नहीं है आपको। नाइन अपॉन टू लो एक्स माइनस फोर प्लस, इसको भी एक्स का स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सेवन प्लस सी, डी पार्ट आपका इसका आंसर हो जाएगा। और ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है, इसमें एग्जाम्पल कीजिएगा इसके सारे, कुछ भी प्रॉब्लम है आप मेरे से पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू।